चलिए। क्यों राजा, याद है उस दिन हमने क्या कहा था कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। फिलहाल हम शादी की बात करने आए हैं, लेकिन श्राद्ध वाली बात भूलना मत। हमारी याददाश्त अच्छी भी है और तेज भी है, जख्म तो जख्म, एक जख्म पर एक सुई से कितने टांके लगाए जाते हैं हम उसकी गिनती को भी नहीं भूलते। खान चाचा, इनकी खातिर कीजिए। अमा खान साहब, हमारी तो ये आदत है कि हम जब भी पीते हैं जाम टकरा के पीते हैं। यहाँ तो जाम टकराने के लिए ग्लास को ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्यों राजा, या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर हम ऊपर आते हैं, या थोड़ा नीचे तुम आओ और थोड़ा ऊपर हम आए। ओ, तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहाँ सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। देख लो खान साहब, हमने राजा को एक ही झटके में नीचे उतार ही लिया। हम जब सामने वाले को पानी पिला देते हैं तब पानी पीते हैं। राजा, इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहां तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट ले तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। वो करवट बदलने का मौका तक नहीं देते राजा। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राजा कि कौन पलटता है और कौन पलटने का मौका देता है। इधर चले आओ। बैठो। शुक्रिया राजा।